नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार लोक कल्याण के लिए बहुत सारी पेंशन योजनाएं चला रही है, लेकिन ईपीएस कर्मचारी लगातार असंतुष्ट बने हुए हैं। उनका कहना है कि हमें औसत पेंशन 1170 रुपए मिलती है और ये राशि इतनी कम है कि पति पत्नी का ही जीवन यापन नहीं हो पाता, परिवार की तो बात क्या करें। वृद्धावस्था में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो इस पेंशन को लेकर के लगातार संघर्ष और आंदोलन होते रहते हैं। आज एक बार फिर राजधानी लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर तमाम विभाग के जो भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स थे वो इकट्ठा हुए, रास्ता रोको आंदोलन किया गया। संवाददाता अमित शर्मा ने इस मौके पर कई पदाधिकारियों से बात करके उनकी मांगे जानी और ये जाना कि किस तरीके से बार बार ये आंदोलन करने आते हैं, और अगर आंदोलन अब ये सफल नहीं होता, मांगे नहीं मानी जाती, तो आखिर कौन सा रास्ता ईपीएस 95 के पेंशनर अख्तियार करेंगे। काफ़ी भारी मात्रा में हमारे सभी कर्मचारी हर विभाग से, हर कॉरपोरेशन से, प्राइवेट सेक्टर से भी आज उपस्थित हुए थे, क्योंकि ये 5-6 साल से हमारी लड़ाई चल रही थी और इसमें हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हमारी बात सरकार नहीं सुन रही थी, इसलिए हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम रास्ता रोको आंदोलन, आज ये पूरे भारतवर्ष में रास्ता रोको आंदोलन मनाया जा रहा है। सर, तीन प्रमुख मांगे थे, क्या कौन कौन सी मांगे थी? हमने तीन मांगे हमारी जो मुख्य रूप से थी वो ये थी कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो रिटायर्ड हमारे कर्मचारी हैं, उनको 7,500 रुपये पेंशन प्लस उस पर DA महंगाई भत्ता, और प्लस उसके साथ हमारा ये था कि उनको दोनों परिवार के दोनों बूढ़े बुढ़ियाओं को दोनों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जो लोग इस उसमें योजना में छूट गए थे उनको कम से कम 5,000 रुपये मंथली पेंशन उनकी स्वीकृत होनी चाहिए, इसी बात को लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए आधार हमारे पास ये था कि जब पहले बहुत पूर्व जब BJP गवर्नमेंट नहीं थी तब कोश्यारी समिति उन्होंने एक बनाई थी, कोश्यारी जी जो अभी महाराष्ट्र में गवर्नर थे, अभी वहाँ से हट गए हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, तो उन्होंने 3,000 प्लस DA उस समय रिकमेंड किया था, उसी को हमने अब जोड़ करके दिया, तो वो 7,500 प्लस DA उस हिसाब से बनता है, वही हमारी डिमांड है। सर, अगर सरकार इस आपकी मांगों को नहीं मानती तो क्या आगे का क्या? हमारे आगे का ये था कि हमने पहला आज स्टेप ये था, अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा था कि हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो रेल रोको आंदोलन होगा, इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो हमारा मरण अनशन चलेगा कि हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे, ऐसे जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसी उम्र में जब हम 70 प्लस 80 प्लस हैं, मैं 70 से ऊपर का भी चल रहा हूँ, हम बच्चों को एक सिलेंडर के कीमत के बराबर, हमको अब 1140 रुपये का सिलेंडर हो गया लखनऊ में, अब हमको दे रहे हैं 1198 रुपये, तो क्या इसमें हम जीवन भी नहीं यापन कर सकते, एक सिलेंडर भी नहीं ला सकते, बिजली का बिल भी नहीं देंगे, कोई बीमारी हो जाती है तो वो अलग, हमको कोई मेडिकल भी भत्ता नहीं दे रहे हैं, जबकि सेमी गवर्नमेंट में थे और जब हम जिंदा थे वहाँ पे नौकरी करते थे, कहीं कर्फ्यू लगता था, कोई बात होती थी तो हमारी ड्यूटी लगा दी, तब हम सरकारी कर्मचारी थे, और जहाँ देने की बात आई तो आप तो अर्ध सरकारी कर्मचारी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाइए भागिए। अच्छा, आर्यन द्विवेदी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश मध्य जोन का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, ये हमारी मांग पेंशन को बढ़ाने के लिए हुई है। हमारी जो मेन डिमांड है वो 7,500 प्लस DA और पति पत्नी की चिकित्सा सुविधा, और जो किसी कारण से हमारे इस जुड़ नहीं पाए हैं ईपीएस 95 में, उनको मेंबर बना के 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की डिमांड है। मिनिमम हम लोगों का 7,500 पेंशन DA के ऊपर, उसके साथ DA की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि हम लोग आज 800,000 रुपये जो कमी पेंशन मिला उससे तो काम चल नहीं रहा है, और अनुरोध करते करे 5-6 साल हो गए हैं, तो मेरी अनुरोध आपसे है कि सरकार से अनुरोध है कि ये हम लोग के 65-70 साल एज हो गई, हम लोग कहाँ तो दौड़ भाग कर पाएंगे, ना कोई मेडिकल की सुविधा है, 1,500 रुपये में क्या होता है, तो कम से कम जैसे किसानों को दिया जा रहा है उससे ज़्यादा तो कुछ व्यवस्था कराई जाए। दूर दूर से जो है पूरे मंडल के बुज़ुर्ग लोग आए थे जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल थी, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी थीं, और पुलिस वालों ने धक्का दिया, रोकने की कोशिश की, फिर भी हम लोगों का आंदोलन सफल रहा। अगर गवर्नमेंट से हमारी विनम्रता से निवेदन है कि हम बुज़ुर्गों की मांगों को पूरी करें, हमारा कोई ज़्यादा मांग नहीं है, हम लोग यही चाहते हैं कि 7,500 प्लस DA और पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा दी जाए।